हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार। और या हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वहां पे भी आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं हूँ ससुराल में और आप देख सकते हैं डिनर के लिए प्रिपेयर हो रहा है एक फ्राई। तो आप बता सकते हैं ये क्या फ्राई है? बता तो नहीं पाएंगे लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार, ये है तिल। तिल का मीन्स एक वड़ा होता है, वो बन रहा है। और साथ में बनेगा यहाँ पे बैंगन का फ्राई। तो ठंडे के मौसम में क्या होता है, ऐसा बड़े बड़े स्लाइसेस में काट कर बैंगन बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ठंडे के समय ये सब फ्राई मस्त लगता है। तो अभी मीन्स रात को यही खाना होगा। और हम लोग अभी चले गए हैं छत पे। छत से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है और बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ तो है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, मेरे घर के सामने ही है ये। है आज हो रहा है यहाँ पे करिंगमंच म्यूज़िक फेस्टिवल 2023, एंड ऑफ द ईयर 2023। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक कंसर्ट हो रहा है। और यहाँ पे ना बहुत सारे मीन्स बैंड आने वाले हैं। और सबसे अच्छा बात है कि हम लोग के करिंगमंच का ही बैंड यहाँ पे इरप्शन जो बैंड है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतने सारे लोग आ रहे थे, बहुत जान पहचान लोग यहाँ पे मिल रहे थे। और एक अलग ही मीन्स यहाँ पे अच्छा लगता है कि करिंगमंच जाने के बाद सब मीन्स जान पहचान मीन्स फेस मिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये नीलमणि स्कूल के फील्ड में हो रहा है, और यहाँ ये फील्ड बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे चारों तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत मीन्स हैंडमेड टाइप चीज़ें मिल रहे हैं। और बहुत कुछ मीन्स क्राफ्ट मटेरियल्स भी हैं यहाँ पे। तो अगर आप चाहते थे तो यहाँ आप आके बहुत अच्छे अच्छे चीज़ खरीद सकते थे। एक्चुअली अभी तो ये ख़त्म हो चुका है, एक ही दिन का था। वैसे भी मीन्स सुजंदा ने ऑलरेडी एडवर्टाइज़ किया था कि मीन्स यहाँ पे आके आप ले सकते हैं बहुत सारे चीज़। तो मैं तो एक्चुअली हाइलाकंदी रहती हूँ, तो जाने के बाद ही मैंने वीडियो किया था। अगर मैं वहाँ रहती तो मैं आप लोगों को पहले ही अपडेट दे सकती थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग इतना अच्छा मीन्स था यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा शो हुआ था। टेक्निकली जो भी मीन्स सपोर्ट में थे, मैं उन लोग को थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि इतना अच्छा कंसर्ट बहुत दिन बाद हुआ है। पता नहीं कब हुआ भी था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मीन्स चीज़ें आए हुए थे। और खाने का तो मीन्स लिमिट नहीं था, खाना यहाँ पे अवेलेबल था। मीन्स जो चाहे आप खा सकते थे ख़रीद के। मीन्स एक होता है ना, जहाँ पे मीन्स शो रहता है वहाँ पे खाने का चीज़ तो चाहिए ही होता है। और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और एक्चुअली यहाँ पे कौन आया है आप देख सकते हैं। तो अचानक मैं एक स्टॉल नंबर में चली गई थी, और ये शायद स्टॉल नंबर 2 या 1 था, मैं दिखा दूंगी। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मिट्टी के चीज़ बने हुए थे। तो बचपन में क्या होता है, जब झूलन होता है ना, तब उस टाइम ऐसे मिट्टी की चीज़ देखने को मिलते हैं। जुलाई जो रथ होता है, रथ के टाइम मिलता है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के कि यहाँ पे भी अवेलेबल है। और मैं अंजन दत्त का गाना तो मैं ज़्यादा यहाँ पे सुना नहीं पाऊँगी, क्योंकि इस कंटेंट में अगर मैं गाना सुनाती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सुनाऊंगी गाना, तो थोड़ा सुन लीजिए गाना। मीन्स एट द एज ऑफ 70 वो ट्रेवल कर रहे हैं, इतना मेंटेन रख रहे हैं खुद को, और इतना अच्छा अभी भी उनका मीन्स एनर्जी है, और इतना अच्छा गा भी रहे हैं। नो डाउट गाना तो मैं कोई मीन्स मैं बोल ही नहीं सकती कि गंदा गा रहे हैं, बहुत ही अच्छा गा रहे थे। और बहुत ही अच्छा हम लोग का ये दिसंबर नाइट गया था, और हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए, मम्मी पापा सासू माँ सब गए थे। और ये है मेरा फाइनल क्लिक। तो कैसा लगा
ब्लॉग. लव यू ऑल. बाय बाय.